है, मैं उसको बार बार कहना नहीं चाहता, उसकी दुकान आपको बोल रही है। देखिए अभी इन्होंने बात की, अभी अभी यहाँ हिंदुत्व पे बात हुई, अभी हमारे भाई ने क्या जवाब दिया उनको, आपने तो पीडीपी के साथ सरकार चलाई तो भुगता ना उन्होंने बीजेपी वालों ने, लेकिन आप आज भी वहां एक पार्टी के साथ हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कांग्रेस पे आरोप लगाया, सरकार कांग्रेस की नीति है, हम ये हमारा सरकार कांग्रेस की नीति है, नहीं हमारा हमारी ये नीति है कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम चाहते हैं विकास हो लोगों का, हम चाहते हैं महाराष्ट्र में विकास हो। अभी शिंदे महाराष्ट्र विकास के लिए बनी थी, क्या विकास कर रहे थे, वहाँ विकास नहीं हुआ, उस पर बात नहीं की शिंदे जी ने, 100 करोड़ की वसूली विकास था महीना। अरे आ रहा हूँ मैं आपके पास, लेकिन सवाल आ रहे हैं, पीछे जाना पड़ेगा मुझे, ईडी के ऊपर किसी का सवाल है तो पूछे सर, ईडी पे नहीं, बाकी सबसे आपने खटके बात की, विकास योगदान बलिदान की, तीन ऐसे विकास के काम जो फडणवीस सरकार नहीं कर पाई, जो आपकी सरकार ने शिवसेना के साथ मिलकर की, सिर्फ तीन काम। अच्छा सवाल है, ताली इस सवाल के लिए, बहुत बढ़िया सवाल है, देश का युवा जानना चाह रहा है, अगर विकास के लिए सरकार बनाई थी आप उनका विकास छोड़ दीजिए जो 100 करोड़ की वसूली वाला विकास कर रहे थे, उसके अलावा कोई तीन विकास के कार्य करे जो देवेंद्र फडणवीस ने नहीं करे, नाम से माफ किया, किसानों का कर्जा माफ किया, रोजगार दिया, नौकरियां दी, दंगे सबसे कम हुए, हिंदू मुसलमान के नाम पे सबसे ज्यादा कम दंगे महाराष्ट्र में हुए, तभी इनको मिर्ची लगी। विकास के काम की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का देखिए और वहां का देखिए, हमने विकास के लिए काम किया सरकार, हमें भी जो है दिक्कत थी शिवसेना की विचारधारा के साथ, लेकिन हमने वो छोड़ के विकास की बात करके सरकार चलाई। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के टाइम पे आप लोगों की पार्टी में क्या सिर्फ वही लोग योग्य हैं जो आपके परिवार के हैं या उनके आसपास के कोई रिलेटिव है? ओके आई वांट जी जी शुभराष्ट्र, नाउ दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ अ इंडियन यूथ, उनके मन में भी सवाल आता होगा कि भाई कांग्रेस में गांधी क्यों, या सपा में यादव ही क्यों, एक सेकेंड यादव ही क्यों, या फिर डीएमके में करुणानिधि के वंशज ही क्यों, या फिर शिवसेना में बाला साहब के वंशज ही क्यों, शिंदे क्यों नहीं, राजकुमार भाटी क्यों नहीं, सलमान निजामी क्यों नहीं ये लोग, क्योंकि आज बादल सुखबीर प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर बादल ही क्यों, बाकी लोग क्यों नहीं? क्योंकि देखिए चाहे वो भाटी जी हो या वो सलमान निजामी जी हो, जब तक ये लोग उस परिवार के आसपास कविता नहीं पढ़ेंगे, इन लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, ये सच है। जो सवाल उन्होंने पूछा ना, ये हर युवा के दिल में एक दर्द है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो युवाओं के लिए बात जरूर करती है, मगर उनको उनका असली प्रतिनिधित्व तो कोई भी नहीं देता, शिवसेना भी नहीं दे रही, मैं कह रहा हूँ कोई भी नहीं देता, बागी हो रहे हैं आप, तो सबके लिए कह रहा हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दे, बागी शिवसेना नेता नहीं, बागी बागी सही बात है, ये जो आप ना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अपने लिंक से अपने आधार से किसी को वो सपोर्ट करते हैं, ऐसा कभी नहीं देखते कि कोई योग्य। अच्छा आपके पास दबाव तो नहीं, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, कोई दबाव तो नहीं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, क्या कह रहे हो? एकनाथ शिंदे का फोन तो नहीं आ गया आपके पास? मेरे पास तो फोन आने ना आने से फर्क नहीं पड़ता, और हिंदुत्व की बात पे भी जवाब मेरा देना था, आप बार बार मेरे पास आते थे चले जाते थे, तो हिंदुत्व पे जो बात अब चल रही है, बाला साहब की जो बात चल रही थी, उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाला साहब ठाकरे ने बिना सरकारों के ही सरकार चलाई, और आज भी उनका जो सम्मान है पूरे देश के अंदर वो सम्मान क्या हो गया, किसी का भी नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि कुर्सी के लिए शिवसेना की जो एक इज्जत थी, शिवसेना का जो एक सम्मान था, कुर्सी के लिए वो सम्मान खत्म नहीं करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री की कुर्सियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, मगर एक बार जो बाला साहब ने जो सम्मान खड़ा किया था वो चला गया, तो दोबारा नहीं आएगा। आने जाने की बात हो रही है, आप गुवाहाटी तो नहीं जा रहे? नहीं गुवाहाटी नहीं जा रहे। अच्छा सवाल देखिए, और हाथ खड़े होने चाहिए, सवाल मैं और ले रहा हूँ जी। सर आपका व्यक्तिगत मत उद्धव ठाकरे की तरफ है, एकनाथ शिंदे की तरफ? मेरा मत सही बात की तरफ है। नहीं, सवाल का जवाब दीजिएगा, देना पड़ेगा ना, दीजिए भाई, नहीं तो ये चिल्लाएंगे, इसका जवाब दो। इसका जवाब ये है, सही जवाब सही आपकी तरफ, आपके हिसाब से दोनों में से कौन है? देखिए मैं बोल रहा हूँ, इसी में जवाब दे रहा हूँ, नहीं मतलब एक शब्द में दे दूँ, एक शब्द में तो नहीं दे सकता। हाँ सुनिए, एकनाथ शिंदे जो बात कह रहे हैं,
मैं उससे सहमति रखता हूँ, लेकिन 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 सुनिए ना, मेरे को बात तो करनी है उद्धव जी से, बात कहीं और जाकर के हो रही है। उनका ऑफिस तोड़ दिया इन लोगों ने जब ये तमाम चीजें हुई हैं। अब एक चीज बताइए, मेरे सामने कोई आए डंडा लेके या AK-47 लेकर कहे कि बोलो अपने दिल की बात, बोल पाएगा क्या कोई? पता है महाराष्ट्र में क्या हाल होता है? एग्जिस्टिंग बीजेपी के विधायक के ऑफिस को तोड़ दिया इन लोगों ने सिर्फ इस खबर से। अब वो जो 40 गुवाहाटी में है या 50 है या पूरी पार्टी इनकी है, अगर वो इनके सामने आकर बोलेंगे तो आपको लगता है ये बड़े इतने सीधे सिंपल चुनाव गुवाहाटी में तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल महाराष्ट्र में ही होगा, महाराष्ट्र के लोगों के बीच होगा। और जो धोखा आपने पीछे से खंजर छोपा था, हमने कोई धोखा नहीं दिया, मेरी तरफ उंगली मत कीजिए आप, हमने कोई धोखा नहीं दिया। आपने एकनाथ जी की तरफ साल के लिए देखिए 30 साल, देखिए एक बात और सुन लीजिए, बाला साहब ने और शिवसेना ने 30 साल इनकी पार्टी का साथ दिया कि हिंदुत्व के नाम पर देश में इनकी सरकार बने। अरे तो 10 साल के लिए, एक साल की शादी थी, 10 साल के लिए कुर्सी के लिए, नहीं नहीं कुर्सी की बात, मतलब मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र में भी। पर आपने हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, आपने हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज किया सत्ता के लिए, नहीं नहीं किया, नहीं किया किया कॉम्प्रोमाइज किया आपने हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। फिर सुनानी पड़ेगी मेरे को, एक कहावत है शिवसेना ने शिवसेना ने हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन अगर खड़े हो कांग्रेस के साथ गठबंधन में, कांग्रेस के साथ हो तो सवाल तो कैसे चेहरा बदल जाता है? 2.5 साल शिवसेना के साथ रह के सत्ता की बिरयानी खाई, अब एकनाथ कह रहे हैं बेचारे शांति से चुन रहे हैं क्योंकि इनको पता नहीं पार्टी क्या तय कर रही है आगे, यही बात है ना। पार्टी अध्यक्ष को ही नहीं पता, अब पार्टी बचेगी तो ही तो तय करेगी सलमान निजामी। देखिए देखिए कांग्रेस के साथ कैसा हिंदुत्व, मैं नहीं मानता इस बात को, कांग्रेस के साथ रहकर कोई हिंदुत्व, कोई भी मुस्लिम चाहे वो किसी भी दंगे में शामिल क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी आतंकवादी संगठन में शामिल क्यों ना हो, उसको सपोर्ट किया हमेशा, सही और गलत के कभी मायने नहीं रखा। और ये बात करते हैं धर्म की राजनीति नहीं करते, कैसे नहीं करते आप धर्म की राजनीति, धर्म पे रहे आप हमेशा। एकनाथ शिंदे के आवाज उठाने के बाद असली शिव सैनिक बोलने लगे भैया, आवाज आ गई है 2.5 साल बाद। हिंदुओं के देश के अंदर अयोध्या मंदिर को बनाने में 75 साल लग गए, काशी और मथुरा का मुद्दा आज तक चल रहा है, कैसे धर्म की बात नहीं करते? तो सावरकर को भी गाली देते थे तो समर्थन क्यों लिया था इनसे तब? तो मैं तो कह रहा हूँ इस बात को गलत किया है, मैं तो कह रहा हूँ के बाद क्यों ये उठा रहे हैं, हमारी पार्टी के नेताओं ने, हमारी पार्टी के नेताओं ने सब कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ सरकार लाओ, बीजेपी को हटाओ, आज क्या हो गया? गलती हो गई इनसे, हमारी पार्टी के बोलते रहे, गलती हुई थी तब आपको लगता है इनके साथ जाकर अपने आप को बचाना चाहते हैं ईडी के दबाव से, ये ईडी के दबाव में अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं ना उन लोगों को। देखिए जब डर लग गया तब आपको भूल गया, आप एक मिनट ना, हमारी पार्टी के नेता समय समय पर 2.5 साल पहले भी, बीच में भी और अब भी इस बात को बोलते रहे हैं, पहले भी बोलते रहे अब भी बोल रहे हैं, और उनमें से एक मैं भी हूँ। ओके, हमेशा विरोध किया इस बात का कि कांग्रेस के साथ या एनसीपी के साथ। आपको लगता है तब गलती हुई थी 2.5 साल पहले, ये गलती हो गई, बड़ी भारी गलती है, बड़ी भारी गलती है। शुभ राष्ट्र।